जब यूक्रेन पर हमला होता है तो दुनिया यूक्रेन के समर्थन में आ जाती है। आज फिलिस्तीन पर संकट का समय तो किसी भी राजनेता या अन्य समाज के ढिंढोरा पीटने वाले लोग चुप्पी साध बैठे, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सभी छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। ये कहना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का। हाथ में वी स्टैंड विद फिलिस्तीन और एएमयू स्टैंड विद फिलिस्तीन के बैनर और पोस्टर लिए हुए एएमयू के छात्रों ने इसराइल के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। एएमयू के प्रदर्शनकारी छात्रों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से फिलिस्तीन पर ज्यादती हो रही है यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब यूक्रेन पर हमला होता है तो दुनिया यूक्रेन के समर्थन में आ जाती, लेकिन अब फिलिस्तीन पर संकट है तो किसी भी राजनेता या अन्य समाज के ढिंढोरा पीटने वाले लोग चुप्पी साध बैठे हैं। पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सभी छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। आपको बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर की सुबह इसराइल पर हमला कर दिया। हालांकि इन दोनों देशों के बीच चल रही ये जंग कोई नई नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि जब जब हमास ने इसराइल पर हमला किया तो ज्यादातर नुकसान हमास को ही उठाना पड़ा। इसराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। इस बीच ये भी खबर आई है कि इसराइल ने हमास के इंटेलिजेंस चीफ के घर पर भी हमला कर दिया। इस बात की जानकारी खुद इजरायली सेना ने दी है। साथ ही हमले का एक वीडियो भी जारी किया। जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना जवाबी कार्रवाई में पूरी गाजा पट्टी पर हमले कर रही। हमास की शस्त्र शाखा अल कसम ब्रिगेड ने बयान में कहा कि उसके लोग अभी भी इसराइल में अंदर कई शहरों में घुसे हुए हैं और इजरायली सैनिकों से लड़ रहे हैं। इनमें ओफा किन, सिडरोट, याद मोर्दचाई, केफर, अज्जा, बेरी और किसूफिम जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दरअसल इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इसराइल की सेना ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि हमास उनके देश पर अब तक 3,284 रॉकेट दाग चुका है। इन हमलों में 700 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं, 2,000 लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर गाजा पट्टी पर 413 लोग से ज्यादा लोग मारे गए हैं और लगभग 2,500 लोग घायल हैं। बता दें कि इसराइल अब चुन चुनकर हमास के ठिकानों और आतंकियों को साफ कर रहा है। गाजा में इजरायली बंधकों के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। बीते 2 दिनों से चल रहे इस युद्ध की रुकने की कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही। फिलहाल इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे इस महायुद्ध का क्या परिणाम होने वाला है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ को।